नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों, क्या हालचाल। सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं बच्चों। ये वीडियो राजस्थान बोर्ड 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफी बच्चे सर्च कर रहे हैं गूगल पर कि हमारा रिजल्ट कब आ जाएगा। तो बच्चों आज हम इसी वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि गूगल कितनी सच्चाई बोल रहा है रिजल्ट को लेकर। जो ये रिजल्ट की डेट बता रहा है गूगल, क्या वो सही है या वो गलत है, क्या इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, क्या इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा, तो हमारे रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है, हम इस वीडियो में आपको पूरी चीज बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन खो दोगे। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो देखते हैं बच्चों क्या है सच्चाई गूगल की। देख लीजिए, सिंपली हम पहुंच चुके हैं गूगल के ऊपर। अब हमें पहले हम बात करेंगे बच्चों 12th क्लास के बच्चों की, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ये जानकारी सभी स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको सबसे पहले सर्च करना है गूगल पर 12th क्लास आरबीएससी रिजल्ट 2023। ये सर्च करने के बाद बच्चों आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ आपको डेट दी हुई है। तो ये पहला लिखा हुआ है आरबीएससी 12th 2023 एग्जाम डेट। ये बच्चों आपके एग्जाम डेट है, जो आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे कब से हुए थे। तो देख लीजिए बच्चों आपके जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे 9 मार्च से स्टार्ट हुए थे, 12 अप्रैल को आपके एग्जाम खत्म हुए थे। अब बात करते हैं हम साइंस वाले बच्चों के रिजल्ट की, कब आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो गूगल के अकॉर्डिंग 2nd week of May 2023। इसका मतलब ये है बच्चों की मई महीने में जब आपका 7 तारीख से आपका 8, 9, 10, 11 होगा, तो इसके बीच में 7 से 14 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार हम बात करें कॉमर्स रिजल्ट की, तो बच्चों ये भी आपका 2nd week बता रहा है मई के अंदर ही। और बात की जाए बच्चों आर्ट्स के बच्चों के रिजल्ट की, तो यहां पर भी आपको बता रहा है कि 2nd week of May के अंदर। तो देखते हैं बच्चों जो गूगल हमें डेट बता रहा है 12th क्लास के रिजल्ट की, क्या वो सही है या फिर गलत है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जो ये डेट बता रहा है वो बिल्कुल ही गलत डेट बता रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, आप भूल जाइए कि जो ये बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक पॉसिबल है, कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों आप सभी ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपका आर्ट्स का रिजल्ट आएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो बच्चों आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई के बाद आपको रिजल्ट अपना देखने को मिलेगा, उससे पहले आपका रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। जब साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 5 दिन के अंदर बच्चों, कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको आर्ट्स का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये तो बात हुई बच्चों 12th क्लास के रिजल्ट की। अब हम बात कर लेते हैं 10th क्लास के रिजल्ट की, क्या 10th क्लास के रिजल्ट के लिए भी क्या गूगल सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो बच्चों आपको सिर्फ यहाँ 12th को हटा देना है और क्या लगा देना है, 10th लगा देना है और सिंपली सर्च कर देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो डेट आपको बताई जा रही है वो ये है June 13, 2023 3 PM, मतलब जून के महीने में 13 तारीख को 3 बजे आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा राजस्थान बोर्ड की तरफ से। ये अपडेट दी हुई है गूगल पर। तो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, जो 10th क्लास जो अपडेट यहां पर दी है उसमें 70% बच्चों क्या है, सच्चाई है, 70% सच्चाई है, सच्चाई 70% है। मान के चलिए बच्चों जो आपका रिजल्ट है वो 10 जून के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये कन्फर्म अभी नहीं हुआ है कि 13 जून को ही आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो आपका रिजल्ट है वो जून महीने में देखने को मिलेगा, मई महीने में आपका रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट 13 ही तारीख को आ जाए, लेकिन यहां पर फिलहाल ऐसा कोई बोर्ड ने क्लियर नहीं किया है कि 10th क्लास का रिजल्ट 13 ही तारीख को आएगा। लेकिन जो यहां पर सच्चाई दिखा रहा है गूगल, तो 10th क्लास में 70% यहां पर चांस है कि इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। तो बच्चों ये जानकारी आपको कैसी लगी, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है रिजल्ट को लेकर तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।